यस साहब कारी सईद मिस्टर कारी सईद साहब अस्सलाम वालेकुम कारी साहब वालेकुम सलाम कैसे हैं एलरे साहब कैसे हैं अल्लाह ताला, ताला का बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का एहसान है थैंक यू सर अल्लाह आपको जزا خیر है एलरे साहब कैसे हैं अल्लाह का बड़ा एहसान है आप कैसे हैं तबीयत के मौला का करम है अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे खैर अल्हमद दो दफा आपके साथ किया लेकिन उसका बात मुकम्मल नहीं हुआ तब सवाल का जवाब ही नहीं देंगे एक सवाल को जब हम दस दफा पूछते हैं फिर भी आप अदाकारी करते हैं ना उसको इग्नोर करते हैं तो कैसे जब सामने वाला आदमी सवाल का जवाब नहीं दे उसको समझ आ जा जाती है अदाकारी करता है कि समझ ही नहीं आया किसी कोई और चीज बोलता है तो कैसे मुकम्मल होगा ना बात तो तब होती है कि सामने वाला आदमी जो है एक दफा दो दफा तीन दफा सवाल किया जाए तो कम अज कम जवाब दे दे ठीक है अभी हमारे साथ वैसे मौजूद पर हम आपके साथ बात करता है कैसा है आपकी मर्जी इधर इधर दरबार आम आम खास खास है मौजू आप लेके बस दरबार कल या पीछे वाला प्रोग्राम मैंने आपका बयान सुना आपने किसी आम आदमी को कहा कि अली मुश्किल कुशा है अल्लाह चाहता है कि लोग अली के दरवाजे पे आ जाए उससे अरीब हाइजा तलब करे आपने ये कहा जी बिल्कुल मैंने कहा ये तो इस कुरान में इस अकीदे को शिरक नहीं कहा वो भाई आपने पहले भी आयत कुरान की पढ़ी हमने जवाब दे दी तो आपको समझ नहीं आती जवाब तो नहीं करें? दिया जवाब देते भी है ना जवाब देते भी हैं तो आप कहते हैं जवाब नहीं दिया अभी हमारा जवाब दे दो हम कहता है हमारा बात सुनो रब्बी हबली मिल दुन खुर्रियतन तय्यबतन ये मैंने अल्लाह को क्या किया इबादत किया या नहीं किया रब्बी हबली अरे क्योंकि आपने सकीदे के साथ के सामने वाला रब है उससे मदद लिया इसलिए ये इबादत है ठीक है ना अब सुन लो अब सुन लो जवाब सुन लो ये इसलिए इबादत नहीं है कि सिर्फ ये मुजर्रद तलब है मुजर्रद तलब की वजह से मुजर्र साल की वजह से अरबी जबान में तलब को सुल बोलते हैं मुजर्रद फुखार मुजर्रद दावत की वजह से ये इबादत नहीं है वह अल्लाह जहाँ भी सवाल हो जहाँ भी तलब हो जहाँ भी पुकार हो वह इबादत होगा ठीक है ना ये इबादत है क्यों इबादत है क्योंकि मेरा अकीदा यह है कि जिस शख्स जिस ज़ात से मैं तलब कर रहा हूँ वो मेरा खालक है वो मेरा अल्लाह है अगर मैं, मैं इस नीत के साथ हाँ आप सुन लो अगर मैं इस नीत के साथ अल्लाह से त, इस नीयत के साथ एक ज़ात से तलब करूँ कि वह मेरा खालिक है मेरा मालिक है मेरा अल्लाह है मेरा महबूद है मेरा तो ये इबादत है अगर मैं इस नियत के साथ तलब ना करूं इस नियत के साथ तलब ना करूं मैं नियत तलब करता हूं कि आप मुझे पानी दे दें मुझे एक लाख रुपए दे दें मुझे चावल चाहिए मुझे एक बुरी चावल दे दो ठीक है ना या जो भी चीज मुजरद पुकार सवाल मुजर्रद तलब बिफी नफसी साल जब मैं कहता हूँ ना अरबी सेंस में कहता हूँ अरबी में मुतालबा यानी तलब करना उसी को सवाल बोल मुजर्रदी नफसे ही बगैर इस नीयत के कि सामने वाला जिससे जिससे तलब किया जाता है वो अल्लाह है ये इबादत नहीं है हाँ अगर तलब के साथ ये अकीदा हो ये नीयत हो कि जिससे तलब किया जाता है वो जात वो खालक है वो वो रब है वो अल्लाह है तो फिर इबादत है हाँ इबादत है अच्छा, अच्छा अच्छा बिल्कुल आप आपका दावा है अल्लाह रजू यानी अगर हम इससे हमारा ये मुश्किल है हमारा औलाद नहीं है जिस तरह मक्के के मशरिक ने इब्राहिम अलै सलाम अवत स्वा या वत स्वा या घूस या नصر या कौमिनुह ने वत स्वा की इबादत बंदगी किया इस अकीदे के साथ जो आपने कहा कि अली मुश्किल खुशा है आपने कहा जो आपका नजरिया है वही नजरिया कौमिनुह का था इसलिए इन्होंने इस पांच बंदों से غیبی حاجات तलब किया इस अखलीय के बुनियाद पर वो लोगों ने ये पंच बंदों को बंदों को इबादत किया इसको इलाह इन्होंने कहा आप और उनमें ये फर्क है आप तقیه वाला आदमी है वो तقیه वाला नहीं था आप कहता है आप उसको मा, आप माबूद नहीं कहता है अली रजा को इन्होंने माबूद कहा आप और उनमें ये फर्क होता है और फर्क एक हाँ और भी, भी फर्क है ना एक और भी फर्क है भाई एक और भी फर्क है ठीक है ना तस्वीर हाँ। मैं आपको फर्क बताता हूँ फर्क जो आपने कहा तक वाली वो गलत है क्योंकि मैं तक नहीं करता मैं तक करता हूँ अपने ठीक है भाई सुन लो भाई सुन लो सुन लो सुन लो देखे फर्क असली फर्क ये वो चलब करते थे बुतों से वो बुत

आप खाया सुन लो, देखे, इबादत जो है सामने वाले को महबूद समझें, समझें। समझें। महबूद समझें। समझें। समझे ठीक है ना आपने जिन लोगों का जिक्र किया है ये लोग बुध थे इन बुतों का आगाज कैसे हुआ अब सुन लो ना भाई साहब सुन लो भाई अपने से ना बनाओ मुख्त मुख्तर करेंगे इन बुतों का आगाज कैसे हुआ था बाज लोग ये कहते हैं ये बुत पुराने जमाने में ये अच्छे लोग थे इनके बुजुर्ग थे फिर इनकी शक्ल का इन बुत बनाया था उन बुतों की पूजा करते थे ठीक है ना अब फर्ज करते हैं कि वो उसी अशास की इबादत करते थे इबादत गैरुल्लाह का शिरक है आपके कोंपड़े में माफ कीजिए आपके जहन शरीफ में यह बात डालना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए गैरुल्लाह का इबादत मुश्किल है इबादत शर्क है जब भी आप गैर गैर गैरुल्ला चाहे वो बुत हो चाहे वो फर्द हो शख्स हो चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो वो अलीसलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो ईसा सब ने मरियम हो उसकी इबादत शिर्क है और जो गैर अल्लाह की इबादत करता है वो अल्लाह का दुश्मन है उस पर अल्लाह की लानत है और मैं तकिया नहीं करता लेकिन गैर अल्लाह से तलब करना भाई साहब गलत तलब करना हर तलब करना इबादत नहीं है

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال رب ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا. جبريل عليه السلام كذب بعد كره. का रसूल का आया तुझे एक ऐसा फर्जन देगा आप घबराइए नहीं अल्लाह तर्जन देगा कि युकल मुन्ना सा फिल्मा है गहवर में झूले में वो लोगों से बात करेगा और उसको अल्लाह तौरा तंजील देगा और फिर क्या होगा फिर यह होगा कि रसूल पूरे बनी इसराइल पर वह अल्लाह के जानब से रसूल होगा वो ये कहेगा तेरे पास अल्लाह की जानब से निशानी लेके आया हूँ और तो सही तर्ज़मा कर रहा हूं, नहीं कर रहा मोली साहब अखल तय वो निशानी यह है कि मैं कभी परिंदे का शक्ल बनाता हूं मट्टी से मट्टी और पानी को मिलाकर तीन किसको बोलते हैं जब पानी और मट्टी को आप मिलाते हो वो मड बन जाता उससे है उससे मैं क्या बनाता हूं उससे मैं परिंदे का शक्ल बनाता हूं पर मैं उसमें फूंकता हूं फूंकता हूं फौरन वह जिंदा हो जाता परवाज करता अल्लाह की इज्जत से वह ओबरे देता हूं अल अलअम वसा शल को हज को और अबरस को और पीस को जो बिल्कुल उसका शक्ल बिगड़ अबरस की बरस की जो मरस है ना शक्ल इंसान का बिगड़ जाता है नाक गिर जाता है इंसान इंसान का शक्ल बहुत खराब हो जाता है तो उस जमाने में बहुत थे इस लोगों के ऐसे बीमार उनको मैं शफा देता हूँ एक टच करने से एक नजर डालने से मैं शफा देता हूँ वह ओह मऊता और मुर्दों को भी खबरों से इशारा करता हूँ फिलहानी और जहा है तीन सौ साल पहले आदमी मरा सौ एक हजार साल पहले मरा उसका जो जनाजा बिल्कुल मट्टी बन चुका है उसकी हड्डियां भी ख, शायद खत्म है खबर देता हूँ कल क्या किया था घर में तेरे क्या चुपाया है घर में खाना तुमने किया तुम्हारे सारे असरार मुझे पता है निशानी है ताकि बनी इसल मुझ पर ईमान लाए ना कहें कि ये झूठा नबी अच्छा आ, अगर आप आ, देखें ओ भाई साहब नहीं सुन 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 लो 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 देखें आप कहते हैं वो बनी आपको इतना फर्क नहीं पता चला मौली साहब इतना फर्क नहीं पता चला एक शख्स के सामने सजदा करता है से हाजत तलब करता है उसको रब समझ के सब, 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 सब वो मुशरक है उसकी इबादत की उसने एक शख्स आता है इसब ने मरियम के सामने ईसब ने मरियम तेड़े बड़े करामाते हैं तेड़े बड़े है ये मेरा हाथ शल है ये मेरा बेटा शल है मेरी माँ मरी है मेरी बीवी मरी है मेरे बच्चे गिरिया करते करता है मेरे, ब, मेरे बीवी को जिंदा कर मेरा बच्चा शफाद है सब ने मरियम ये मेरी 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 वालदा को बरस की बीमारी हो गई इसको शफाद है इबादत नहीं करता उसको अल्लाह नहीं मानता कहता है तू अल्लाह का नबी है तेरे पास अल्लाह ने यह मोजिजा दिए हैं आओ एक एहसान करो मुझ पर वो सब ने मरियम सलाम से अगर तलब करे हर आकिल जानता है कि ये ये क्या नहीं है ये शिरक नहीं है हा अगर यही शख्स ने मरियम से इस तरह तलब करे कि तू अल्लाह है इस मरियम आप नबी नहीं अब अल्लाह आप मुझे मेरे बेटे को जिंदा कर फिर शिरक है शिर का दारोमदार क्या है शिर का दारो मदार यह है कि आप किसी की इबादत करें अल्लाह समझ कर अगर किसी की आप उसको अल्लाह समझ कर नहीं उसको अल्लाह का हबीब अल्लाह का वली समझ कर उससे मुतालबा करें तो यह शिरक नहीं है इसको हर बच्चा समझता है लेकिन आपको अपने आप मुकम्मल हाँ। आप हो, हो गया जी कितना है, आप, है? आप बात करें जितनी मर्जी बात करें इसी बात इसी नहीं पंच पंचमेंट ठीक है पंच पंचमेंट ठीक है अब देखें पांच पांच मिनट का मुश्किल ये है आप जो मर्जी कहते हैं ना हमारे सवालों का जवाब तोड़ी देंगे अपनी मर्जी से से जो दिल में आएगा कह देंगे बिल्कुल आप अपना आप अपना इसी बातों आप ले ले, इसी बातों बातों का मिनट ले लें बाहर आपने वो आयात पढ़ा आपका अकेदा है मैंने आपका कई मैंने सुना आपका जो आकदा है लोगों को आप कहता है कि अली इस तरह मुश्किल गुशा है अगर आज किसी आदमी अली से कहे कि अली आपका आकदा है कि अली अभी भी उसका ये हजत बेमश्किल तलब पूरा कर सकता है क्या बात है

जिंदा है, भी, है।, थे, भी, है।, भी है।, है इसमें कोई बात नहीं है आप दूसरे तरफ बात नहीं करो नहीं इस अभी भी जिंदा है आसमानों में अभी भी जिंदा है या नहीं है मुझे बताओ सब ने मरियम से अगर कोई अकीदा रखे मरियम अल्लाह नहीं है लेकिन मुश्किल गुस्सा है यही अकीदा कुफ्रिया है कुफ्रिया इस अकीदे के कुरान ने अक्को पर कहा आपका आप कहिए अकिद करते हैं क्या आप कुरान ने तो कह दिया कि मुश्किल गुशा है मैंने तो आयत पढ़ी मैंने तो साबित किया ईसा मुश्किल गुशा है तो अगर ईसा मुश्किल गुशा है वो तो ईसा का इमाम भी मुश्किल गुशा है ईसा किसके पीछे नमाज पढ़ेगा ओए तो आप अगर ईसा मुश्किल गुशा है ना तो ईसा का इमाम भी मुश्किल गुशा है और इस इमाम का दादा भी मुश्किल गुशा है अल्हम्दुलिल्लाह उस इमाम का जज भी मुश्किल गुशा है

बुतों के हम जाम तुम मिन आपने अल्लाह की जगह उनको अल्लाह समझा ईसा के, ये 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 के लिए नहीं है यह मुशर अल्लाह की जगह बुतों को अल्लाह समझते हैं आप आयत बताओ ना आया आया पूरा पढ़ो आप तर्जुमा करो आया पढ़ो मैं बताता हूँ अपना टाइम में बात करो हमारा बात के दर, बातों के दरमियान में नहीं बोलो देता है जो आप हमारा साथ करता है आप हर किसी को टेम देते हैं हम कोई क्यों नहीं देते ये हमारा हक नहीं है आपने खुद कहा टाइम हाफ करो ना टाइम तो हाफ था अब बस

न तु वो किसी तकलीफ को दूर कर सकते हैं और न बदल सकते हैं ये कौन है ये वही ऐसी मुर्दो को जिंदा की आपात नहीं करो एक आयत अल्लाह कहता है फलायम हसन अल कहता है उसके पास मिल्क है उसके पैसा पास कुदरत है नहीं दरमियान में पंच मिनट सबर करो अपने टेन में बताओ दूसरा आयात सूरज इक्कीस बाईस नंबर आयात है सबा है आयात नंबर बाईस है बाईस है, बाईस चार बातें है चार बातें है अल्लाह यह रबली अल्लाह कहता है मैंने एक जरा बराबर इसको मिल्क नहीं दिया लाशिद शेख साहब शेख साहब शेख साहब शेख साहब शेख साहब एक मिनट शेख से नहीं बोलो درمیان में बोलो शेख साहब एक एक दरखास्त है आपसे एक दरखास्त सुन ले दरखास्त सुन ले एक एक आयत आप पढ़ें बिल्कुल मैं आयत का जवाब दूं फिर दूसरी आयत पढ़ें पढ़ते हैं ना ठीक है ना इस तरह करते हैं

कि एक दीजिए के सिवाह एक सिवा जो तुमने महबूद बनाए आपने अरबी में पढ़ो अपना पहले अगे क्या पढ़ता है

वो इबादत वाला पुकार है वो अल्लाह के सेवा अली को करना भी कुफर है शिरक है अहदा जिनमें खन कह दीजिए इन लोगों को इन्नमा अद औरबी हम दुआ मांगता है उस र, रब से अपने रब से वला उस शरीकू अहदा हम इस पुकार में इस दुआ में

ईसा सलाम के पास मिल के जो आपका आकिदा है अल्लाह अल्लाह कहता है फलायम लिखू वो मालिक नहीं है कशफुर्री जरर को दूर करने का वो आन आपसे वाला तहवीर ना बदल सकता है इसमें पांच मिनट हो गए जी पहले भी आपने एक मिनट लिया था ना पहले एक मिनट लिया था फिर फिर पांच मिनट हो गए ना तो छह मिनट आपने बात की लेकिन मुझे पांच मिनट दे दो हमारा आया का जवाब दे آیات کا جواب دیتا ہے دیکھیں انہوں نے آیت پڑھی ہے سورہ مبارک یہ سب سبا سے سب سورہ مبارک کے جن سے اور سورہ اسراء سے سب سے انہوں نے پہلے شروع کی سورہ اسراء سے تو ان کو جب <تصفح> اپنی <تصفح> میں اپنا ٹائمر لگا دوں جو ان کو اپنی تفاسیر نہیں آتی تو اس میں میرا کیا مشکل ہے قل ادع الذین زعمتم <تصفح> من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون

इबादत करो उनको जिनको तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह की जगह वो अल्लाह है यानी अलासान यानी बुतें आप कह रहे थे कि ये, ये सब ने मरियम के लिए नादानिया चुप आप चुप करो आप चुप करो आप चुप करो आप चुप करो देखो खलजन खलजिन वलमलाइका कहाँ उसमें नहीं कलजिन वल मलाइका اٹھ اوپر کرو یہ انهم انهم الملائكه وعيسى ويقولون اولئك الذين يعبدون اس طرف اية عبد الله مسعود نفر من العرب كانوا يعبدون نفر من الجن يا عبادت كرته تبعي

ये 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 इसी तरह इबादत करते थे इबादत करते थे भाई, थीज़ थीज़? अद, दौा दौा पे इबादत के मानों में, ये में भाई, आप, ये इबादत करते थे हर, हर, हर दुआ इबादत नहीं है अपने कौम को दुआ की और वो ज्यादा मुझसे दूर हो गया यानी मैंने उनको पुकारा है

ये, ये फरमा रहे ये उनके लिए अल्लाह की जगह इबादत करते थे भाई। करना हर तलब इबादत नहीं है अगर, अगर आपका अपनी औरत कैसे इबादत है तो आप अपने बेटे के आप पानी मांगो तो इबादत आप आप की है। अच्छा मैं अगला, हद, रिवायत जो है अगला जो इन्होंने पढ़ाया पढ़ा सूरह सबा, पढ़ा सबा में हूं यह बुतों के लिए नाजुल हुई है तुम्हारा गुमान है कि ये अल्लाह है इसब ने मरियम अल्लाह है तो काफिर है जो भी शख्स कहे क्या

तुम्हारा अकीदा य है कि अल्ला की जगह ये अल्लाह की शरीक है उनको पुकारो ना उनके उनको पुकारो उनको इबादत करो उनसे मदद करो तलब करो ये बुतों के लिए है। या इस अपने मरियम के लिए नहीं है कोई बुतों को अल्लाह की जगह मेरी तरफ देखो मोली साहब मेरी तरफ देखो ना प्लीज बुतों को बुतों को बुतों को अल्लाह की जगह अल्लाह मानते थे वो मिंदू अल्लाह की जगह बुतों को अल्लाह मानते थे तो उनसे तलब जब करते थे अल्लाह समझ कर तलब करते थे बुद्ध वैसे भी मदद नहीं कर सकता उनसे तलब करते थे उलूहियत के उलूहियत के मकसद में उलूहियत की नियत से उनकी इबादत इसलिए मुश्किल थे अच्छा सही है अब जब सूरह जिन की जो आयत पढ़ी है उसकी भी जवाब सुन लो इन्नमा अदु रब्बी इन्नमा अदु

تفسير كنت يه كنت تفسير تفسير تنوير من تفسير عبد الله بن عباس اللهم علمه الكتاب سب صحابة سے آپ کے نزدیک بڑا مفسر ہے یہ سورة الجنة. يه. ديكو باي. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ابن عباس نے فرمایا أن المساجد بنيت لله فلا تدعو فلا تعبدو تدعوك کا کیا ها. فلا تدعوا فَلَا تعبدوا عبادات الله کی جگہ دوسروں کی عبادت نہ کرو عبادت نہ کرو پکارنا حرام نہیں دوسرا ہے, ہے. دوسرا اور پکار دوسروں بھی, پک... بھی پڑھیں لامن انما, لامن ادعو. انما أدعو قل انما اه. أدعو اعبد ربي اعبد ربي انما اعبد أدعو ربي ادعو کا کیا مطلب ہے عبادت کرتا ہوں اللہ کی اور الخلق الی اچھا چھوڑ پڑھنے کا بھائی پڑھنے دو نا بھائی

हाँ अल्लाह की अल्लाह के आजाब जब आ जाए मैं अल्लाह के आजाब तुम पे रोक नहीं सकता और ये तो वो मालिक है ला अक्षा ला, ला, अक्षा तुम तो रसूल सल रोक नहीं सकते जब फैसला किया कि मैं अजाब दूर भी नहीं रोक सकते वो अल्लाह के इरादे का मुखालिफत करते ही नहीं है अल्लाह अजाब करना चाहते हैं ये होता ही नहीं है भाई ये आपकी जहात है एम हो गया अच्छा अभी, है। देखे, अभी दो आयते आपने दो तीन आयते पढ़ी हैं मैंने जवाब दिया अब 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 मुझे 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 अब मैं दो, एक दो आयत पढ़ता हूं, उसका दे, तोहीद आप उसका जवाब इस, इस के जो आपका टेम हो गया, फिर आप अपना दलील पेश करो है मालिक की भाई साहब भाई साहब तोहिद के मुताल आपकी बातों आयते पढ़िया और भाई साहब पहले मैंने जो आयत पढ़ी है ना मैंने देखे आप कहते हैं अल्लाह के सिवा ये कोई ये, मुश्किल गुशा नहीं है।, नहीं है देखो भाई साहब आप सुन लो मेरी बात मैंने आपकी खिदमत में कुरान से साबित किया कि ईसब ने मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मुश्किल गुशा है क्या अभी हमारा जवाब सेम लगा आपने उसका बिल्कुल जवाब नजरअंदाज किया बात सुनो ना भाई साहब भाई साहब आपने मुझसे पहले भी टाइम ले लिया मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया साहब बात सुनो ना तीन सौ तीन सौ सा आप गलत तफसीर कर रहे हैं और पांच हजार आयतों का आप गलत तफसीर कर रहे हैं सुन लो भाई सुन लो ना भाई आयात पढ़ता है तब आप करो अपना सुन लो सलमान करो सुन लो भाई वो पता चले गए मुसलमान कौन है अभी आपने ये, कह रहे थे अभी मैं सब लोगों को बता अभी बात करने दो तीन पर आपस में एक दूसरे की बात ना काटें भाई आप का, दस्मीण दस्मीण मैंने दस्मीण साबित दस्मीण किया कुरान मजीद से कि नाटे ने मरियम मुश्किल गुशा है इन्होंने तीन आयतें पढ़ी और कहा है कि ये आयात सब ने सुन लिया अब बात करने दो ना भाई सब ने सुन लिया आपने कहा कि ये आयात ई सब ने मरियम के लिए है और भाई मैंने इनके अपने तफासिर से दिखा दी इनके बड़े बड़े मुफसरीन से दिखा दी और अब्दुल्ला अब्बास से दिखा दी कि यह आयात इसब ने मरियम के लिए नहीं है ये आयात बुतों के लिए है और ये तलब के लिए नहीं है ये इबादत के लिए है ठीक है ना अलहम अब आप मुझे बताएं भाई साहब आपने मेरे सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दे दिया जब ईसब ने मरियम को वाज तौर पर अल्लाह ने कह दिया कि शफा दे सकता है ये मुर्दे को जिंदा दे कर सकता है ये भाई परिंदे को मिट्टी के परिंदे को यह जिंदा बना सकता है तो ये कैसे मुश्किल गुशा नहीं है मुझे ये बताओ ये समझा दो मेरे सवाल का तो बिल्कुल आपने जवाब दिया ही नहीं नजरअंदाज कर दी ना आप कहते मुझे पांच मिनट दे दो फिर जो मर्जी कहते जाते हो ये मुझे बता समझा कैसे ईसा ने मरियम कैसे मुश्किल गुशा नहीं है और अगर मानते हो कि ईसा ने मरियम मुश्किल घुसा है तो उसका इमाम मुश्किल घुसा तो है ना उसका इमाम उससे बड़ा मुश्किल घुसा है जिसके पीछे ईसा ने मरियम नमाज पढ़ता है बस मेरे सवाल का जवाब देना है तुमने मेरे सवाल के जवाब देना है एन आप दरमियान में कोई बात नहीं करो जिस जो, जो, तरह मैंने बात नहीं किया आप भी इस तरह क्यों बात बात ही करते रहे हाँ जो है हक हाँ... आप बात करते आप रहे मुझे तो बार बार काटते रहे नहीं इन हम आपको नहीं काटते

आप आपका हयात तक इसको मिल्कियत में साबित नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले दफा भी कहा वो इन नकबर आले के आराध हो तो इन तन तब तक नफन फिल अर अवसुलमन फिर समा हबीब खुदा वो मुस्तफ़ा को अल्लाह कहता है वो इन खान खबर हम आपको आया हम उर्दू नहीं आते हम इस मोबाइल में ये आयत था देखो वो इन खान खबर आल का हम

وأني أخلق لكم من طين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله شيخ صاحب شيخ صاحب فإن استطعت فإن استطعت شرط جوابي شرط كان هي سيان جواب شرط كيا إن استطعت جواب فإن استطعت شرط جواب شرط كيا هي اسمه ام ام لا مولي نہیں بس نہیں گیا جواب شرط كيا تب نفقا في الارض او سلما في السماء

जो आपका आकेदा है नबी के पास कुदरत है इस कुदरत की वजह से वो नबी को जिंदा करता है अगर आपके पास कुदरत है ले आओ अल्लाह से है आपका बेजारी इधर देखो जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई कोई सीढ़ी ढूंढ लो

शरा शुरू किया क्या कि फलां को तबाह करो को तबाह करो अल्लाह इज्जत ने क्या कहा नहीं है आपके पास इस अमर में कोई इख्तियार अगर अल्लाह आजाब देता है फिर अल्लाह का मर्जी है अगर अल्लाह से उसको छोड़ता है फिर भी अल्लाह का मर्जी है ये आयत ये सूरत इमरान वाले फिर उमर आपकी इख्तियार में कुछ नहीं

अच्छा मिनट हो गए भाई छह मिनट हो गए भाई शेख साहब शेख साहब शेख साहब शेख साहब छह मिनट हो गए आपके नाम इस आयत को पूरा करो इस आयत पूरा करो कह दीजिए कि मुझे तुम्हारे किसी नफा नुकसान का इख्तियार नहीं ए, आ कहता है आले आले बैत के पास इख्तियारात है तस्वीर ये किधर है इख्तियारात तस्वीर बताओ आप छह मिनट बाद आयत चेमिन, मैंने दिखा दी भाई ये तसर अब मेरी बारी है भाई आप बोलना नहीं है भाई अब इसके बाद भी भी मैं आपसे सवाल करूंगा मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा लोगों ने देख लिया नहीं नहीं मैं 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 दलील आपसे आयत लाऊंगा ना आपके तौहीद पे पेशकाल करूंगा देखें इस तरह नहीं है कि आप सिर्फ मेरे तौहीद पे पेशकाल कर रहे हैं और फिर फिर मैं उसका जवाब देता हूँ वक्त मेरा खत्म हो जाता है और मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं आपकी तौहीद पे पेशकाल करूँ ना अब मेरी बारी है कि मैं आपकी तौहीद पे पेशकाल करूँ भाई सही है कि नहीं आप आले रजन को मुतसरिफ साबित करो आले रजन को बिल्कुल 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 साबित करते हैं बिल्कुल साबित करते हैं बिल्कुल बिल्कुल वो मेरा काम है साबित करना खास दलील आम खास मैं बिल्कुल दा भाई साहब इसके बाद इसके बाद जब मैंने आपके जवाब दे दिया लोग फैसला सुनाएंगे मेरे जवाब सही है गलत है लोग सुनाएंगे ठीक है ना वो लोगों अल्लाह ताला ने आपको दिया लोगों हाँ लेकिन इसके बाद मेरी बारी है कि मैं आपकी तोहहीद पे मैं इश्काल करूं ठीक है ना मेरी बारी उसके बाद आपने इश्काल मेरी बारी है उसके बाद उस उस... मेरी बारी है मेरी तोही बारी है कि आपके तोहहीद पे इशकाल करूं मेरे मोहतरम नाजरीन ये फरमाते हैं कि आप अमीर उलमोन ये वो साहब अमर हैं उनको तसरफ हक तसरुफ हासिल है उसको साबित करें इनसे मैंने क्या सवाल किया था मैंने कहा था कुरान कह रहा है कि इस ने मरियम शफा दे सकता है ये सब ने मरियम मुर्दे को जिंदा कर सकता है ठीक है ना मैंने आयत दिखा दी ये आयत कुरान मजीद की सूरह मुबारक आल इमरान में परिंदा बनाता है मट्टी से वो उसको जिंदा कर लेता है और अपाहज को और फीस को शफा देता है और मुर्दे को जिंदा कर देता है और ईसा मुश्किल कुछ आप, आप ये, ये इसा बने या नहीं बने इनके जवाब इन्होंने क्या लाया कुरान के आयत लाए की नबीम के पास मौजूदा नहीं इन्होंने जो साबित किया है ना ईसा का तो जवाब नहीं दिया इन्होंने ये साबित किया ईसा आईम बोला है नबी सल नीचे भाई साहब मुझे बात कर नहीं मेरी टाइम मेरे टाइम सुन लो अब सुन लो

अल्लाह ताला ताला राजी है अल्लाह ने उसको कि जब वो चाहे मुर्दे को जिंदा करे जब चाहे वो शिफा दोबारा शुरू करते हैं तो मैंने ये साबित कर दिया अलहमदल रबी और मैंने इस शख्स से पूछा कि आप बताएं की इसमारे में कैसे मुश्किल कुछ आ तो इन्होंने कुछ पढ़ी है उसका आयत का गलत तरज किया और कहा कि भाई ये तो अलैहि वसल्लम के पास आपने तो ये साबित किया सा तो कि हमारे नबी वसल्लम के पास कोई मौजूदा नहीं है इसमें रद्द नहीं किया ईसा को आपने मुश्किल कुछ बना दिया अहमद मुख्तार भी नहीं है ईसा सब कुछ ईसा के पास था ये आपने, था था। ये आपने था था। और वो भी अपनी बेवकूफी से अपनी गलती से अपनी नाफहमी से वो क्यों मेरे मोहतर आयात पढ़ी है भाई भाई। वो अप, आपके गलत तर्जमे से आपने सुना कौन सी आयत थी कौन सा आयात

आप कर सकें कि जमीन में सफर करें नफा किसको बोलते हैं ये नफाका भी बोलता है औरत को नफका देना क्योंकि इंसान सफर करके नफका दे देता है नफक जमीन में सुरंग को भी बोलते है आप जमीन के अंदर घुस जाए तो ना सुन लो ना भाई बात ना बीच में ना काटो ना जमीन के अंदर जाए आसमान में जाए इनके लिए आया लेके आए निशानी मोजा ये ईमानी लाएंगे ये कुरान ये फरमा रहा है कुरान नहीं फरमा रहा है कि आप मुजिजा नहीं कर सकते कुरान फरमा रहा है कि अगर आप कर सकते जमीन के, के अंदर घुस जाते या जमीन में सफर करते या आसमान को चले जाते आसमान पे सीढ़ी लगा के आसमान पे चले जाते मोजा लेके आते फिर भी ये ईमान न लाते कुरान ये कह रहा है नहीं कह रहा कि आप मोजा नहीं कर सकते ये शख्स का गलत तर्ज़मा कह रहा है नबी सल मोजा तो कर ही नहीं सकते जी कुरान ने कभी यह बोला बोले उषा जमे अल्लाह के बस की बात है कि अगर किसी को मनवाना है जबरदस्ती मनवा दे अल्लाह कर सकता है लेकिन अल्लाह जबरदस्ती नहीं मनवाता क्योंकि ये दुनिया जो है दारदार अख्तियार है

ये आया मोजाद के लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए कि भई रसूल सल्लासम से उन्होंने ख्यानत की गद्दारी की उन वो अल्लाह के आजाब के मुस्तक हैं, अल्लाह के आजाब के मुस्तक कुफार है अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तन के मामले में इनके मामले में इनके इख्तियार हाथ में नहीं है कि मैं इनके इन पर अजाब नाजिल ना करूं ये अल्लाह के हाथ में है इनको अजाब करे या इनको अल्लाह तक अजाब ना करे यह फरमा रहा है

शफा दे सकती चुप करो प्लीज चुप, चुप करो कर। मुर्दा जो हजार साल पहले मरा उसको एक नजर डाल के इशारा करके जिंदा कर, कर सकते तो कि कल किया क्या था घर में क्या कहा था आपके असरार क्या अल्लाह तला ने उसके लिए साबित किया अल्लाह तभी नफी नहीं किया ने मरियम कहा मरियम का इगमाम भी है मुस्लिम का इजमा है कि महदिया ने मरियम के पीछे नमाज पड़ेगा ठीक है ना वो ईसा से अफजल

दे दिया سل मैंने दे दिया चाहे अल्लाह आजाब करे चाहे अल्लाह करे चाहे अल्लाह मफफरत करे कुफ़ार का ये हाथ में नहीं है ये फरमाया अल्लाह ने यह फरमाई से नहीं है अच्छा भाई साहब नहीं हमने आपस आप आप में ऐड किया भाई साहब सुन लो मेरी बात आपको करो हम ज्यादा कर रहे है नहीं, है। नहीं अब मेरी, है। मेरी बारी है कि मैं आपके तोहिद पेशकाल करूं क्यों डरते हो नाइ ये एतराफ़ कर रहा है कि शख्स मुशरिक है कि मुझे सवाल नहीं करना इधर हमने आपस में ऐड किया हमने और आपने आपस में ऐड किया कि मेरे जवाब देने के बाद लोग फैसला सुनाएंगे कि किसने जवाब सही दिया ठीक है ना लोगों के पास अक्ल है अब मेरी बारी है मेरी बारी है भाई ठीक है ना

फिर को शहीद किया इसके बजाय उसको हलाक करे अगर, कर अगर चाहते तो अगर चाहते अगर चाहते है चाते, अगर चाते तो मुतस्रफ मानते हैं आप अगर चाहते तो कर लेते हैं अच्छा अभी मेरी बारिया अभी मेरी बारी आप मेरे भाई साहब अब मैं शुरू करता हूँ टाइमर लगा देते हैं भाई ये अपने तोहीद का जवाब देगा भाई ये अपने तोहहीद का जवाब देगा बिस्मिल्लाम रह्म। आपने बिल्कुल मेरी बात सुननी है और मेरे बात का जवाब देना है ठीक है ना भाई सही है तोहिद पर अल्लाह अल्लाह तला की वहदानियत पर बात करेंगे ठीक है ना मौजूद आपने शिया तोहद पे कहा कि शिया मुश्रक है आप साबित करते हैं मुश्रक कौन ठीक है ना भाई भागना नहीं आपने بھاگنا نہیں ہے تسلی سے سن عم کے عم جواب دینا ہم آه. والا نہیں ہے اوكي. اگر آپ نہیں الجامع, الجامع لعلوم احمد بن حنبل جزء ثالث شاب دار الفلاح كتاب شبيه سنة 2009 حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي عن الأسود بن عامر عن فلان عن إكرمة يا حديث سيء على شرط مسلم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه واله رايت رسولي ربي في سوره شاب امرد ما ابن الرب کو دیکھا ابھی اس کی داڑھی داري ہے داڑھی له وفرۃ جعد قطط في روضه خضراء وہ بال گنگریالے ہیں افریقیوں جیسا بال ہیں اس کے وہ ایک سبز باغ میں رہتا ہے اچھا یہ کتاب بیان و تلبیس الجہمیہ فی تاسیس بدعہم الکلامیہ تعلیف ابن حیم اے فون پہ نہ فون نہ دیکھو. میری باتوں کو फोन नहीं देखना फोन फोन नहीं देखना। चो, नहीं आ, गे। आ, गे। नहीं 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 देखना। देखना। मैं 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 मेरे मेरे पास मेरे पास टाइम है भाई। दोबारा लगाता हूँ फोन की तरफ नहीं देखना मेरी तरफ देखना मौलवी मेरी तरफ देखना फोन की तरफ नहीं देखना हदीस देखो अपना कल भी देखते हैं हिंदू कौन है ये हंबल से रिवायत करते हैं

सही है सनत के साथ अब्बास से रिवायत है कि मैंने परवरदिगार को देखा अल्लाह को देखा अभी उसकी दाढ़ी नहीं आई उसके बाल मेरी तरफ देखो फ़ोन की तरफ ना देखो मुश्किल तेरे फोन में मुश्किल गुशा नहीं है ना इधर देखो <laughs> मुसीबत है ना उसके ना, ना, बाल के गिरले है वो एक सबज बाग में रहता है सबज उसकी यहां पे रिवायत करते हैं कि इब्न अब्बास से राय तो रबी फी सूरत शाह बिन अमरत मैंने वही बात कि मेरे रब के जो है दाढ़ी अभी नहीं आई है अच्छा और फिर ये बहुत सारे मसादर के साथ ये अबू सईद उस्मान इब्न सईद अल मरीसी अल जहमी क्या है अबू अबली किसकी किताब है अबू सईद उस्मान इब्न सईद की किताब है जो मरीसी जहमी पर और सुन लो भाई नीचे करो ना मेरी तरफ देखो

अच्छा फिर कहता है अच्छा ये किताब रोया है अल्लाह नजर आता है नहीं बस क्यों करूं आप इतना बातें करो अब मेरे लाल सुनो ना अभी तीन मिनट हो गए पहले भी तुमने बीच में बोला था किताब रोया वो तो बात हो रही है चुप करो चुप करो अभी अभी मैं सिर्फ हदीस पढ़ी है मैं साबित कर रहा हूं की आदि सही है ठीक है ना किताब यहां पर भी अब्न अब्न के से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है कि वो अभी उसकी दाढ़ी नहीं आई और वो भले उसके वो एक सबज बाग में बैठता है और उसके जूते भी तो, तो, सोने के हैं अच्छा और फिर दूसरे तुरक से भी रिवायत है ये फिर रिवायत करते हैं कि भाई उसकी अभी दाढ़ी नहीं आई सूरत शाहबन अच्छा नौजवान है उसकी दाढ़ी नहीं आई ये मेरे मोहतरम नाजरीन ये विष्णु है इधर देखो मोली साहब इधर ये किसकी तस्वीर है पता है ये सबज शाल वाला जो सबस बाग में बैठता है इसके भी दाढ़ी नहीं आई <laughs> ओ, ये विष्णु जी है हिंदुओं का रब है इंदुओं का रब है ठीक है ना अच्छा हिंदुओं का रब है अच्छा एक और मैं आपको दिखाऊं हदीस रिवायत किताब मुस्लिम से, बुखारी से ये बुखारी है जी किताब बुखारी है میں <محن> اپ سے سوال کروں گا اخر میں بھی سوال نہیں آیا بخاری دار احیاء تراث العربي اس میں <محن> ملائظہ فرمائیے کتاب التهجد، باب الدعاء عند الصلاة اچھا اس میں یہ روایت ابو هريرة سے روایت کیا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حتى حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب لا من يسالني فيعطي اللہ تعالی ہر رات वो नौजवान वो सबज शाल वाला सबस, जो धोती वाला वो नौजवान नीचे आता है और पुकारता भी है तो सवाल आपसे ये है कि सऊदी अरब सऊदी अरब क्या है आपका वाला ना? तो ये है कि असन आली को करे मुतरफ कहा है नहीं मेरा पेशकाल करूंगा इब्न हम कौन है कौन है

मुझे अभी सवाल करने देना तो सवाल करने देना शेख साहब ओ शेख साहब सवाल करने देना ये तेरे रब का जो है तेरे रब का जो हुलिया है बिल्कुल हिंदुओं जैसा विष्णु का विष्णु हिंदू खुदाओं में से है। खुदा है हिंदू भगवानों में से ये आपके खुदा में जिसकी दाढ़ी नहीं है बिल्कुल अहमद इब्न हंबल और इब्न तैमिया और अबू बकर बैहकी और बुखारी का रब ये ये विश शिवाजी है शिवा शिवा साहब ओ भाई तुम्हारे रब, रब में मैं। है। और शिवा में क्या फर्क है मुझे बताओ भाई तेरा रब भी नजर आता है तेरा रब की भी दाढ़ी नहीं, चे, दाड़ी दाड़ी चे, नहीं तो है बाल की फर्क है इसके बाल जो गंगरियाल नहीं है इसके बाल लंबे हैं उसके बाल जो है ना वो अफ्रीकन स्टाइल है और तो कोई फर्क नहीं है टाइम खत्म है भाई जवाब देना तेरे तोहहीद में और हिंदुओं की तौहद में क्या फर्क है जी बताओ जी दरमियान में कोई बात कर, अगर आप किया तो आपने मेरे बात किया यह तो आप आपका <laughs> बात बात रहा रहा आप रोक रहे आप इस हदीस को आपने जितना बातचीत किया उसके तमाम बातों का जवाब इस बुखारी का ये हदीस है आई शरजाना कहता है कहती है <laughs> <था>। मोहम्मदन <laughs> रबहू ए अगर किसी का ये जाम है कि मोहम्मद ने अपने रब को देखा फकद कदबा ये झूठ बोलता है hmm. ये अहादीस जो मैंने दिखाई है ना ये हादीस इसका ये हादीस का ये माना नहीं है

रा रबा ये सब ये झूठा आदमी है आप अभी हमारा बार है नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं आप इजाजत दें आप इजाजत दें मैं बुखारी से बुखारी कहदी साहब ने पढ़ना नहीं दी मुझे आप दसरे टाइम देखा आप का ऑपरेटर किधर है अलारे का फोन बंद करो माइक बंद करो उसका उसका कोई हक नहीं है درمیان میں बोलने का अलयारी ने जान छुड़ाने के लिए ये मौजू और तरप, आ, कोशिश किया कि इस मौजूद को बदल करे कर आयशा की हदीस है वो आयशा की हदीस है वो मखसूस है वो एक सूरही एक 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 नजम की आयत के मुफ़ करो फ्राहु मरत उखरा उसके उसमें उसके रही कह रही है

وما يَعْمُّ تأويله إلا الله والراسخون في العلم آب يا, يا كتاب العنية في مسألة الرؤية رؤية النبي ديكو ما شيخ صاحب شيخ صاحب كتاب كتاب ديكو صراحة شيخ صاحب كتاب كتاب ديكو رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه سبحانه وتعالى في ليله الاسراء تعليف الشيخ آب ابو الفاز أحمد بن علي آب ابن حجر الاسقلاني يا مر خياناته ابن, ابن حجر الاسقلاني كيا. العنيه في مساله الرؤيه ابن حجر كقول ابن حجر ابن حجر كيا سيد اياك هو سبسه بدا محدث اچھا ایک اور کتاب اپ کو دکھاؤں كتاب مقلد كتاب الرؤيا الحافظ ابو الحسن अली अबने अबने उमर अगर आपके अंदर किताब इस आदमी को किताब मुलाजा करो मुकदमा कुरान कहता है तुम उसमें नहीं रखते ना तुम तुम कहते नजर आएगा नहीं आएगा अल्लाह ताला क़यामत को नजर आएगा नहीं आएगा खत्म नहीं करो भाई जाना सना सब ये जिले में आप करता है नहीं आप, आप बताओ ना अल्लाह ताला तमत के दिन अब पे बात करते हैं ना आपके रोयत नहीं है आपके आप इस इस आप आप साथ, आप साथ इसी मौजूद पर अलग टेम रखो खन आप इसी मौजू पर या आज इस मौजू पर दो घंटे इस मौजू पर ये, देखो ये हाफिजार ابن كتاب الرؤيا منه يقول الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المحدث أبو الحسن علي بن عمر الدار قدني هذا كتاب حافل جمعت فيه ما ورد من النصوص الواردة في كتاب الله تعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المتعلقة برؤية الباري جل وعلا ديكو عبكي شكستيهه दिया कि मुझे आप मुझे जवाब नहीं देने से वार मसला खत्म से आब मसला खत्म नहीं होता छह मिनट नहीं। आपको पता पत है, आप है आपके पास इतना हिम्मत नहीं है हमारे साथ बात करने का आप शेख साहब मुझे बड़ा हिम्मत है आपको पता है ना पत नहीं है आप मौजूद के दो मौजूद दो मौजूद नहीं है तोहहीद की बात हो रही है आपकी तौहि है

नहीं आप देख हम बात नहीं करने दे रहे ना आप मौजूद कर रहे हैं ये बात रौये तो रौये पे, पे बात करो ना मिनट आप, आप कहते हैं कि आयशा की हदीस से मसला खत्म है आयशा की हदीस को आप गलत गल कर रहे हैं ना आपने पंद्रह मिनट को बात किया अब हमारा एक मिनट नहीं दिया आपने मुझे कब बात करने रहे आपने आयशा की हदीस नकल कहते हैं मसला खत्म हो गया मसला खत्म नहीं हुआ भाई आप आपके अकाबिर आपके अकाबिर आयशा के हदीस की सरशर नहीं सर शर नहीं करते हैं आप बात ही नहीं सुनते आपसे बात करने का कोई फायदा है साहब आपसे बात करने का भाद कोई भाद फायदा भाद है आप सुनते ही नहीं है ना आप सुनते ही नहीं करते जो आप कर रहे हैं किसी का नहीं है आपके कुतुब में क्या की दाढ़ी नहीं आई अल्लाह नौजवान है दाढ़ी नहीं आई उसका क्या करेंगे सही है बशरते मुस्लिम और मुता मैंने, मैंने दिखा दिया मैंने दिखा दिया आपने आपके कुतुब में मौजूद है मैंने किस... चले भाई। मैंने भाई किताब दिखा दिया अगर अगर आ, आ, लोगों तो... ने देख लिया कि आप स... आप खुद लो, सब लोग ये किताबें जो हैं इंटरनेट पे मौजूद है डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं दारो खुदनी ने किता रोया लिखा है या नहीं लिखा है देख देखे अल्लाह आपका भला करे अपने हजर असकलानी कलानी ने किता रोया लिखा है नहीं लिखा है ठीक है ना अबुल हसन ने लिखा है लिखा है फिर बुखारी में जो किताबें मौजूद है मुझू चीज़ बुखारी चीज़ में चीज़ जो अहदीस मौजूद है कि अल्लाह ताला अपना पैर जहन्नम में रखता है अल्लाह ताला के नारे से रहम ने पकड़ के पकड़ ले के पुकारा के मुझे रहम करो अल्लाह का नारा भी है वो बुखारी की हदीस है उसका क्या करोगे अल्लाह ताला रात को नीचे आता है उसका क्या करोगे मौजूद यही है भाई मौजूद यही है तो हीद है आपकी तोहेद में तो आपकी आप त... देखो तो तो तुम एक हदीस आयशा का पढ़ के तुम कहते हो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदिल्लाल में खत्म नहीं हुआ अभी तुमने जवाब देना कि आपके तोहहीद में और हिंदुओं हिंदुओं की में फर्क क्या है उसका दफा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है जो हमारा खेदा नहीं है वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है ये आपका बोहतान है हम पर आपके आप इन के क्या कहते हैं अबुल हसन दार कुतनी अबू भाई हकी जिसने है किताब अचीत लिखा है इस यह किताब कि यह है। है। ये ये काफिर थे? थे? एक ये की तस्सी करता है आप आप नजर आता है ठीक है ना हदीस की करता है आप उसका क्या मुश्कता काफिर था कह दो मुश्कता काफिर था कह दो तुम चलो तुम्हारा नहीं है तुम फतवा दे दोद हिंदुओं की है कह दो यही है कह दो भाई बिल्कुल तौहीद ना ये तोहीद है। तोहीद शिया हीद में तुम बात करो आप हम आपकी तवीद में बात एक ना करें करेंट के लिए आपने हमको एक मिनट नहीं छोड़ा बास करने को हमारा टाइम दोबारा शुरू करो अल साहब नहीं साहब नहीं भाई साहब आप, आप... मौजूद पे बात तो करना नहीं चाहते कहते टाइमर लगाओ पर किसी प्रति साबित करो हमने उसे बात कर ली हमने साबित कर दी साबित कर लिया क्या मत तक ठीक है लोग फैसला सुनाएंगे ना

आप कहता है कि आलिम ठीक है भाई तुम भाई रोय पे तुम जिसके तुम मुजस्मा हो तुम अल्लाह ताला को मानते हो इस इसपे बात नहीं करना चाहते ठीक है ना तुम तुम्हारे देखो तुम्हारे अकीदे में और हिंदुओं के अकीदे में फर्क मैंने तो दिखा दिया ना आपके इमाम ने क्या है कि ना हदीस को छुपा दो होता है फिर कह दो फिर कह दो कह कुतनी मुशरक है काफिर है कह दो सही काफिर कह दो

अमीर की मुश्किल गुशाई में आपके सवाल का जब जवाब दूंगा उसके बाद मैं इश्काल करूंगा और आप उसका जवाब देंगे ठीक है ना और आप मेरे इश्काल जवाब नहीं देना चाहते वो कहते आयशा ने यह रिवायत की आयशा का वो मफूम नहीं लेता आपके, आपके अकबर बल्कि खुद बुखारी में रोयत कितनी ज्यादा है भाई क्या अल्लाह तेो बुखारी में खुद में बुखारी में मौजूद है कि अल्लाह नजर आता बुखारी में खुद मौजूद है आप उसमें बात नहीं करना चाहते ये किताब है भाई बुखारी ये कहते हैं अल्लाह नजर नहीं आता तुम बात करो ना भाई तो तुम खुद तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा कुरान के बहरुत लिबनान दो हजार एक में ठीक है ना यह सफा नंबर एक सौ अठारह है यह हदीस नंबर पांच हजार पांच सौ चौवन है عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هم النبي صلى الله عليه وسلم كباسته فنظر الى القمر ليله ليله يعني البدر شو ديك راتي شو ديك رات كو کی, کی طرف دیکھا اور فرمایا انكم سترون ربكم اپ لوگ اپنے رب کو دیکھ لیں گے. كما ترون هذا القمر جس طرح اس قمر کو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ رؤیت ہے کہ نہیں بخاری کے. اپ اپنے رب کو उसी चिकना जो जिसकी दाढ़ी नहीं आई शिवाजी को लातवात ला उसके रोयियत में एक आपके एक मुजाहमत नहीं होगी बिल्कुल सामने देखेंगे उसको अच्छा अच्छा फसल फैन तुम अल्लाह तो तब लतलोशम्स तो भाई भाई नमाज जो नमाज फजर अपने वक्त पर अप आप ये, ये, ये क्या है ये ये क्या है हमारा ठीक है ना ये तुम्हारी तो बात है जहाँ तक अमीर उलमीम की मुश्किल पुशाई क्या जो आयात आपने पढ़ी मैंने जवाब दे दी आप क्या जो 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 आयात आप लेके आए ले ना कि इस ये नबी अलैहि वसल्लम के मुआजा नहीं करते वो उसका मुजजे से ताल्लुक़ ही नहीं आया क्या आयात आया का आप गलत तर्जमा कर रहे हैं अच्छा देखते हैं भाई हमारे पास कॉलर कौन है भाई इमरान भाई आप डिस्कनेक्ट तो नहीं हैं इमरान साहब हैं